नमस्कार, तन्वी तिवारी व्लॉग्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ तन्वी। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आपने पहले बिल्कुल भी नहीं खाया होगा और शायद किसी ने बनाया ही होगा। तो ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो ये मैंने लिया है मावा, जो हम घी बनाने के बाद जो मावा निकलता है उसे अक्सर हम फेंक देते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें उसका करना क्या है। तो मैंने लिया है मावा, आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर है, एक चम्मच नारियल का है और दो चम्मच पीसी हुई चीनी है। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी नहीं है तो आप मिक्सर में इसे पीस सकते हैं। और देखिए, मावा ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए वरना बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी, खट्टी खट्टी बर्फ़ी बनेगी। तो देखिए, मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई और इसमें डाला है एक चम्मच देसी घी। अब डाल देते हैं मावा को। तो घी आप स्किप भी कर सकते हैं, घी ना डालिए क्योंकि मावा में ऑलरेडी इतना घी होता है। और इसके बाद मैंने डाला इसमें एक चम्मच सूजी, तो सूजी भी आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको सूजी पसंद नहीं है तो आप सूजी मत डालिए, मावे की बर्फ़ी बनाइए। तो सूजी और मावे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और मलाई ज़्यादा अगर आपकी पुरानी होगी, खट्टी होगी, तो फिर बर्फ़ी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आप उसे स्टोर करके ज़्यादा दिन नहीं रख पाओगे, ज़्यादा चीनी आपको डालना पड़ेगा। तो देखिए, सूजी और मावा अच्छे से भून चुका था। अब डालते हैं इसमें चीनी, मिला देते हैं चीनी को अच्छी तरह से। मैंने चीनी को मिला दिया। अब इसमें डालते हैं इलायची पाउडर और इसे भी मिला देते हैं। इसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे और मिक्सर जार में निकाल लेंगे। और हमें इसे पीस लेना है, एकदम बारीक पीस लेना है हमें इसे। मैं पीस के लेके आती हूँ इसे। तो देखिए, मैंने इसे एकदम बारीक पीस लिया है, आपको भी ऐसा ही करना है। और देखिए इसमें कितना सारा घी निकल रहा है। तो घी को हमें अलग कर देना है वरना बर्फ़ी में ज़्यादा घी हो जाएगा और फिर वो ज़्यादा जम जाएगी और अच्छी भी नहीं लगेगी खाने में। तो जितना एक्स्ट्रा घी है आप उसे निकाल दें, पूरी तरह से इसे ड्राई ना करें, बस एक्स्ट्रा घी निकाल दें इसे। और अब निकाल लेते हैं इसे प्लेट में। तो देखिए, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। और चीनी भी मैंने इसमें बहुत कम डाली है, तो आप इसे खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। और इसका मैंने स्क्वायर शेप दे दिया है, ये देखिए, ताकि हम अपनी बर्फ़ी काट सकें। डालते हैं ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने डाला है बादाम, काजू, आप चाहें तो चिरौंजी और पिस्ता वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नारियल का भूरा। फिर इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में और ताकि ये सेट हो जाए। तो देखिए, 10 मिनट हो चुका है और ये सेट हो चुकी है। तो मैंने बर्फ़ी को काट लिया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनी है। मैंने उन चीज़ों से बर्फ़ी बनाई है जिसे आप अक्सर घर में फेंक देते हो, और क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें इसे करना क्या है, तो इसलिए आज मैंने ये शेयर किया आपके साथ ये रेसिपी। तो ये देखिए, बर्फ़ी बनके तैयार है और बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनी है, एकदम दानेदार बर्फ़ी बनी है, कोई झंझट नहीं, सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है। तो खाइए और खिलाइए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और आप भी बताइए कि अक्सर आप घी निकालने के बाद मावे का क्या करते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये बर्फ़ी बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।